हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चाय के साथ मट्ठी या फिर नमक पारे मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही बढ़िया, एकदम हेल्दी तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे ले रहे हैं हम मैदा, लगभग 750 ग्राम मैदा ले ली है मैंने। और अब इसमें 150 ग्राम मैं सूजी ऐड करूँगी, इससे बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होगा। और अब इसमें डालेंगे हम आटा 150 ग्राम और इसको छान लेंगे आटे को। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 150 ग्राम बेसन, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो बहुत ही हेल्दी नमक पारे बन के तैयार होंगे आपके मट्ठी। तो यहाँ पे फिर डालेंगे हल्दी, धनिया पाउडर, और ये डाल रही हूँ मैं काली मिर्च का पाउडर। फिर डालेंगे नमक टेस्ट के हिसाब से, और फिर इसमें हम डाल देंगे अजवाइन, लगभग 1 बड़ी चम्मच अजवाइन लेके मैंने क्रश करके इसमें डाल दी है। तो इस तरीके से आप मट्ठी का डो तैयार करते हैं तो बहुत ही टेस्टी मट्ठी बन के तैयार होती है। और अब अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसाले, आटा, सूजी, मैदा और बेसन, ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करनी है हमें। और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे मोइन, जो कि परफेक्ट क्वांटिटी में होना ज़रूरी है, तभी आपकी जो मट्ठी है वो क्रिस्पी बनके तैयार होंगी। तो लगभग यहाँ पे 4 से 5 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल ले लिया है, जिसमें से मैंने लगभग 1 टेबल स्पून बचा के साइड में रख दिया है, बाकी मैंने ऐड कर दिया। यानी 4 टेबल स्पून ऑयल हमने इसमें ऐड किया है और अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। तो बहुत ज़्यादा मोइन भी नहीं डालना है और कम भी नहीं, इसी क्वांटिटी में आपको मोइन ऐड करना है कि आपके इस तरीके से लड्डू बने और फूटें। तो मोइन परफेक्ट हो चुका है, अब डो लगाना है यहाँ पे। तो सर्दियाँ हैं तो हल्का गुनगुना यानी हल्का गर्म पानी मैंने ले लिया है, और जितना टाइट डो आप लगा सकते हैं उस हिसाब से टाइट डो आपको लगा लेना है, अच्छे से डो लगाना है। जितना अच्छे से आप पर डो लगेगा उतनी ही बढ़िया क्रिस्पी मट्ठी आपकी तैयार होंगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और आटा यहाँ पे आपको गूँध लेना है। तो इस तरीके से आटे को गूँथना है और फिर सारे आटे को इस तरीके से मसलना है लगभग 7 से 8 मिनट, यानी कि डो जो है वो एक जैसा हो जाए। फ्रेंड्स, चैनल पहली बार आए हो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियोज़ देख पाएँ। तो अच्छे से डो हमारा लग के तैयार हो गया है। अब इसे हम क्या करेंगे, रेस्ट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से डो जो है सेट हो जाए। तो डो को लगा के आपको लगभग 20 से 30 मिनट छोड़ना है। तो लगभग 20 से 30 मिनट हो चुके हैं, डो हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। आप देखेंगे तो ये सफ़ेद सफ़ेद सी सूजी जो है अच्छे से फूल गई है। आप थोड़ा सा इसे इक्वल कर लेंगे इस तरीके से और फिर हम यहाँ पर मट्ठी की तैयारी करेंगे। तो हमारा डो जो है परफेक्ट है। अब इसमें से हम एक लोई कट करेंगे बड़ी सी, आप चाहें तो छोटी छोटी लोई कट करके और यहाँ पे मट्ठियाँ बना के तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ बहुत अच्छा तरीका जिससे एक बार में कई मट्ठी बनके तैयार हो जाएंगी आपकी। और ये देख सकते हैं लोई बड़ी सी कट कर ली है। अब इसको मैदा लगा बेलेंगे, तो थोड़ा प्रेशर देके बेलना पड़ेगा क्योंकि डो हमने टाइट लगाया है। इस तरीके से मट्ठी जब आप बनाते हैं तो मार्केट से बहुत ही बढ़िया मट्ठी बनके तैयार होती है। साथ ही इसमें हमने सूजी बेसन ऐड किया है, इससे टेस्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया आता है, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो इस तरीके से आप मट्ठी तैयार कर सकते हैं। अजवाइन वाली मट्ठी है ये, आप चाहें तो यहाँ पे कसूरी मेथी ऐड कर सकते हैं या फिर हरी फ्रेश मेथी ऐड कर सकते हैं, तो आपकी मट्ठियाँ जो हैं वो मेथी वाली बनके तैयार हो जाएंगी। अब यहाँ पे चम्मच से, ये जो चम्मच है काटे वाली, उससे इस तरीके से पूरे पे टैप टैप कर देंगे ताकि मट्ठियाँ आपकी फूले नहीं तो फूल जाएंगी और मट्ठियों की जगह पे पूरी कचौड़ी बनके तैयार होंगी। तो अच्छे से टैप टैप कर देना है। फिर कोई भी ग्लास कटोरी आप ले लें और उससे बराबर के पीसेस इस तरीके से आप कट करके तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप मट्ठियाँ बना सकते हैं। फ्राई करते वक्त आपको काफ़ी ध्यान रखना है, तभी आपकी मट्ठियाँ जो हैं वो क्रिस्पी बनके तैयार होंगी, वरना ये सॉफ्ट हो जाएंगी बाद में। तो इस तरीके से सारी की सारी मट्ठियाँ मैं कट कर लूँगी। तो एक बार में लगभग 8 से 9 मट्ठियाँ बनके हमारी तैयार हो गई हैं। और ये जो बीज का पार्ट बचा हुआ है इसको आप ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं, तो मटर आपकी यानी सेमी तैयार हो जाएंगी। ये मट्ठियाँ हमारी बनके तैयार हो चुकी हैं, हम फ्राई करेंगे, ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे और फिर फ्लेम को मीडियम पे सेट कर देंगे और अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पे इन्हें हम उलट पलट के फ्राई करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया आपकी मट्ठियाँ बनके तैयार होती हैं। ये एक बैच फ्राई करने में आपको लगभग 8 से 10 मिनट लग जाएंगे। ज़्यादा हाई फ्लेम पर आप इन्हें ना फ्राई करें। ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद फ्लेम को लो टू मीडियम सेट कर लें और अच्छे से उलट पलट के इन्हें फ्राई करें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि रेसिपी कैसी लगी आपको। तो सारी की सारी मट्ठियाँ हमारी गोल्डन हो चुकी हैं, इन्हें निकालेंगे। बहुत ही बढ़िया एक सेप साइज़ की मट्ठियाँ बनके तैयार हैं। बाय बाय, टेक केयर।